हेलो फ्रेंड्स, ये है आर्केन सीरीज का 7th पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स भी अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, फायरलाइट्स वाई और कैटलिन को उठाकर ले जाते हैं, तो ये एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां हम वाई और कैटलिन को बंधे हुए देखते हैं। यहां एक फायरलाइट वाई को अपने लीडर से मिलवाता है और पता चलता है कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि एको ही है। एको वाई से जेमस्टोन के बारे में पूछता है कि आखिर इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसे शक है कि वाई सिल्को के लिए काम करती है। वाई बताती है कि उसे जेमस्टोन के बारे में कुछ नहीं पता और वो तो वहाँ सिर्फ पाउडर से मिलने गई थी। वो उसे अपनी पुरानी बातें याद दिलाती है और कहती है कि वो अभी भी पुरानी वाली वाई है। फिर वो उसे गले से लगा लेती है और हम देखते हैं कि एको भी भावुक हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सिंस्ट पर आता है जो विक्टर के ब्लड सैंपल्स चेक कर रहा है। वो विक्टर से हैक्स को लाने को कहता है लेकिन विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो हैक्स कोर की मदद से किसी भी चीज में ज्यादा देर तक जान नहीं डाल सकता। सिंट समझ जाता है कि विक्टर मरने वाला है और वो उसे बताता है कि उसकी जान सिर्फ शिमर ही बचा सकता है, लेकिन उसे इसके कुछ अंजाम भुगतने पड़ेंगे। विक्टर को यकीन है कि वो जैस को समझा लेगा और ये सोचकर वो शिमर पीने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम जैस को देखते हैं जो थोड़ा दुखी है क्योंकि उसकी वजह से हैमरडिंगर को काउंसिल से निकाल दिया गया है और साथ ही विक्टर और कैटलिन भी गायब हैं। मेल उसे बताती है कि बॉर्डर क्लोज होने की वजह से पब्लिक भी काफी नाराज है और शायद अब टाइम है कि उन्हें हैकस्टैक का दूसरा इस्तेमाल करना चाहिए। जैस ब्रिज पर विक्टर से मिलने आता है और कहता है कि उसे अंडरग्राउंड के लोगों से नहीं मिलना चाहिए। विक्टर भी उसकी बदली हुई टोन देखकर उसे सिंड और शिमर के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि अंडरग्राउंड में भी हमारे ही जैसे लोग रहते हैं। इधर सेविका सिल्को को बताती है कि उनके पार्टनर में से एक फिन उनके साथ अर्जेंट मीटिंग रखना चाहता है क्योंकि उन्हें अब सिल्को की लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा। सिल्को जो जिंक्स की वजह से ऑलरेडी परेशान था, मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ फिन और बाकी लोगों पर एक जहरीली गैस छोड़ देता है। वो उन्हें दिखाता है कि यहाँ का असली बॉस कौन है और आगे से ऐसा कुछ भी करने से वार्न करता है। इधर पिछले हमले से घायल जिंक्स अपने रूम में आती है और पागलों की तरह अपने घाव को स्टेपल करने लगती है। उसके दिमाग में चल रही आवाजें उसे कहती हैं कि शायद वाई उससे ज्यादा कैटलिन को पसंद करने लगी है, लेकिन जिंक्स ये मानने से मना कर देती है। फिर वो सिल्को से मिलने जाती है और उसे टॉर्चर करते हुए पूछती है कि आखिर उसने वाई का सच उससे क्यों छिपाया। सिल्को उसे समझाता है कि वाई का जिंदा होना उसके लिए भी एक सरप्राइज है और वो यहाँ उसके लिए नहीं बल्कि उस जेमस्टोन के लिए आई है। वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत है और तुम्हें जल्दी से उस वेपन को तैयार करना होगा। इधर एको वाई को अपना बेस दिखाता है जो एक पुराने पेड़ के आसपास बना हुआ है और बताता है कि वो यहाँ शिमर से एडिक्टेड लोगों के लिए एक ठिकाना बना रहा है। वो उसे जिंक्स को बुलाने के लिए कहता है और बताता है कि ये सब वो किसी प्रेशर में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कर रही है। वाई ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती और तब एको उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें वो सब लोग हैं जिन्हें सिल्को ने उनसे छीन लिया है और कहता है कि जिंक्स के वापस आने का कोई चांस नहीं है। फिर वो दोनों कैटलिन से मिलने जाते हैं और उसे पता चलता है कि एको और उसके लोग बुरे नहीं हैं। एको कैटलिन को बताता है कि सिल्को इन्फोर्सर्स के साथ मिलकर काम करता है और इस जेमस्टोन की मदद से कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। कैटलिन उन दोनों को बताती है कि ये क्रिस्टल असल में हैकटेक से रिलेटेड है और अगर गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत तबाही मचा सकता है। वो इसे वापस पिल्टओवर ले जाने को कहती है लेकिन एको शर्त रखता है कि वो खुद इसे वहाँ लेकर जाएगा। इधर मेल की मेडू से कहती है कि पिल्टओवर अब पहले जितना सेफ नहीं है और मेल कुछ सोचकर जैस और विक्टर से मिलने जाती है। वहाँ विक्टर मार्कस के दिए हुए बॉम्ब को देखता है और उसकी तकनीक देखकर उसे लगता है कि इसे बनाने वाला जल्दी ही जेमस्टोन पर भी काबू पा लेगा। मेल उन्हें हैकस्टैक से वेपन बनाने को कहती है ताकि वो किसी भी हमले से अपनी रक्षा कर सके। विक्टर को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को एक बेहतर भविष्य के लिए यूज करना चाहते थे, ना कि किसी विनाश के लिए। लेकिन जेस मेल की बात से एग्री हो जाता है और इस वजह से उसकी और विक्टर के बीच दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं।
वो छुपकर सिंच के दिए हुए शिमर को खुद पर यूज कर लेता है और फिर अपना ब्लड निकालकर उसे हेक्सटेक कोर के साथ रिएक्ट कराता है। ऐसा लगता है जैसे कोर उसे अपनी ओर खींच रहा है और साथ ही उसके ब्लड में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इधर इको वाई और कैटलिन को लेकर पिल्टोवर की तरफ जाता है, जहां एक जगह वो हजारों फायरफ्लाइज को देखते हैं, जो दिखने में थोड़ी अजीब लग रही हैं। यहीं एक सीन में हम हैमरडिंगर को भी देखते हैं, जो छुपकर अंडरग्राउंड सिटी की ओर जा रहा है। आगे वाई और उसके दोस्त पिल्टोवर ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि जिंक्स भी छुपकर उन्हें देख रही है। यहां वाई उन्हें अकेले आगे जाने को कहकर खुद जिंक्स को बचाने वापस जाने लगती है और ब्रिज पर बैठी जिंक्स उसे कैटलिन को गले लगाते देखती है। उसे ये देखकर गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि वाई तो बस उसे अलविदा कह रही है। आगे एको और कैटलिन का सामना मार्कस से होता है और कैटलिन उसे बताती है कि उनके पास सिल्को के खिलाफ प्रूफ है। एको मार्कस को जेमस्टोन दिखाता है और जिंक्स भी उसे देख लेती है। तभी मार्कस एको को शूट कर देता है और वाई भी आवाज सुनकर उनकी मदद करने वापस जाने लगती है। ऊपर बैठी जिंक्स ये देखकर और नाराज होती है और उसे लगता है कि शायद वाई उससे ज्यादा कैटलिन को पसंद करने लगी है। तभी वहाँ वो फायरफ्लाइज हमला कर देती हैं, जो असल में जिंक्स के बनाए हुए मिनी बॉम्ब्स हैं, और इसमें मार्कस मारा जाता है। जिंक्स भी वहाँ पहुँच जाती है और जेमस्टोन का बॉक्स उठा लेती है। तभी उसकी नजर वाई पर पड़ती है, जो कैटलिन की मदद कर रही है, और गुस्से में आकर वो उन पर फायर करने लगती है। तभी वहाँ एको आता है, जो किसी तरह उस बुलेट से बच गया था, और वाई से वो जेमस्टोन का बॉक्स छीन लेता है। फिर वो बॉक्स को कैटलिन को देखकर उन्हें वापस जाने को कहता है और वाई को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। आगे हम एको और जिंक्स को आमने सामने देखते हैं और वो याद करते हैं कि कैसे वो बचपन में भी एक दूसरे को ऐसे ही चैलेंज करते थे। फिर हम उन दोनों में लड़ाई होते हुए देखते हैं, जहाँ एको थोड़ा स्ट्रॉन्ग साबित होता है, लेकिन इससे पहले कि वो फाइनल वार कर पाए, जिंक्स की आंखें देखकर वो रुक जाता है। जिंक्स भी मौके का फायदा उठाकर अपना बनाया एक बॉम्ब डेटोनेट करती है और वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। वाई भी पलटकर देखती है और पता चलता है कि धमाके में जिंक्स पूरी तरह घायल हो गई है। यही हम एको की टूटी हुई घड़ी को भी देखते हैं और इसी के साथ हमारा 7वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।